तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां पर हम बिटगर्ड कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं। सारी लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स भी देखने वाले हैं, और कम से कम आपको अगर ये होल्ड करना है तो कितने टाइम तक और होल्ड करना है ताकि आपको 5 से 10 गुना का प्रॉफिट यहां से इजीली मिल सके। अब गाइस 5 से 10 गुना मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज मैंने बिटगर्ड के लिए आपको हमेशा से बोला है कि ये कोई 100x जेम में नहीं बता रहा हूं कि 2024 में आपको उस तरह का बेनिफिट मिल सकता है। इवन लवलीनो के बारे में भी हमने बात की थी, दोनों ही एक तरह के ही प्रोजेक्ट हैं, हम एक साथ ही इनकी बात करना शुरू किए थे। और बिटगर्ड जो है गाइस आपको कम से कम जुलाई तक तो होल्ड करके रखना ही है बिकॉज इसकी एक एनिवर्सरी जब आएगी तो हो सकता है ये नेक्स्ट टाइम और अच्छे अच्छे एक्सचेंजेस पर, खास करके टायर वन एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो सके, और वो हमें चाहिए गाइस। बिकॉज बिटगर्ड की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो अपने यूटिलिटी या रोड मैप के हिसाब से ही काम तो कंटिन्यूसली कर रहा है, बैक टू बैक पार्टनरशिप्स इसमें हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ गाइस गिव अवे भी अभी के टाइम पर ये अच्छे खासे करवा रहा है, और इस गिव अवे में आप पार्टिसिपेट जरूर से कर लेना है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, तो आप वहां से पार्टिसिपेट कर सकते हो, और ये काफी इजीली 6-7 आपको स्टेप्स पूरे करने हैं और वहां से आपको थोड़ा बहुत प्राइस मिल सकता है, इसको भी आप मिस आउट मत करना। और इससे गाइस फायदा भी होगा इनको, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने जब रिसेंट वीडियो जब बनाया था तब इनके फॉलोवर 5 लाख से भी कम थे, और अभी 6 लाख को क्रॉस कर चुके हैं इनके फॉलोवर्स। तो कहीं ना कहीं गिव अवे और मार्केटिंग से ये फायदा तो होता है कि इनके फॉलोवर्स वगैरह कम्युनिटी थोड़ी सी बिल्ड होती है, जो कि काफी बढ़िया बात है अगेन बिटगर्ड के लिए। और कहीं ना कहीं बिटगर्ड की अगर हम बात करें तो इसके लॉन्च पैड पर काफी ज्यादा कॉइन्स जो है गाइस वो लॉन्च हो रहे हैं अभी के टाइम पर, जैसे कि आप देख सकते हो बोंक, काफी सारे मेम कॉइन जो है वो बिटगर्ड ब्लॉकचेन पर आ रहे हैं, इसके लॉन्च पैड पर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं काफी बड़ी बात है, और बिटगर्ड कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन जो इनकम है, रेवेन्यू है, वो काफी अच्छा खासा कर रहा होगा गाइस। बिटगर्ड ने लास्ट टाइम भी ऐसा ही एक शॉक दिया था जहां पर 6 से 7 गुना का प्रॉफिट काफी लोगों को आसानी से हो गया था बिकॉज ओवरनाइट हुआ था वो, और कहीं ना कहीं इन्होंने काफी सारी इन्वेस्टमेंट डाली थी, बायबैक किया होगा मार्केट ऑर्डर पर, इसलिए इनकी प्राइस गई थी। तो बिटगर्ड का एक सिस्टम रहा है कि अपने यूटिलिटीज को बढ़ाते रहना, अपने रोड मैप को फॉलो करते रहना और इनकम करते रहना, और ये दोबारा से वही काम कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर स्टेकिंग का फीचर भी ये ला चुके हैं, जैसा कि आप में से काफी लोग बोलते हैं कि मैंने काफी ज्यादा इसको होल्ड किया हुआ है वगैरह वगैरह, तो वो स्टेक लगाकर भी अच्छा खासा आपको स्टेकिंग API मिलेगा, तो आप उसको भी कर सकते हो, आपको थोड़ी कॉइन्स जो है वही बढ़ते रहेंगे कम से कम। लेकिन आपको जुलाई तक तो इसको होल्ड करके रखना है अगर आपको एक्चुअली 10x का प्रॉफिट बिटगर्ड से चाहिए। सेम मैं लवलीनू के लिए भी बोला था आपको रिसेंट वीडियो में कि आपको भी उसको अगली एनिवर्सरी तक तो होल्ड करके रखना ही चाहिए। हालांकि उसने बोला हुआ है लवलीनू की टीम ने कि आने वाले 1 या 2 महीने में, यानी कि फरवरी और मार्च में ही वो कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले, तो उसमें हो सकता है आपको पहले थोड़ा मौका मिल जाए प्रॉफिट बुक करने का। बट बिटगर्ड में हो सकता है हमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, 4 से 5 महीने। जुलाई तक आप इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखिए, आपने अगर काफ़ी लंबे टाइम से इसको होल्ड करके रखा हुआ है तो। बाकी गाइज अगर हम बात करें बिटगर्ड की, मैं तारीफ करता हूँ स्टार्टिंग से, उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, मैंने कई बार आपको बताया है इसकी वेबसाइट पर, इसके रोड मैप पर भी, व्हाइट पेपर को भी हमने विजिट किया है। बट कहने के आप खुद देखिए गाइस, बिटगर्ड जो ब्लॉकचेन है वो कहीं ना कहीं काफ़ी एफिशिएंट ब्लॉकचेन है, हालांकि काफ़ी लो कैपिटल है, फंडिंग नहीं है इसके पास, कोई बैक सपोर्टर नहीं है इसका, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उस लेवल का जो हाइप है वो क्रिएट नहीं हो रहा है BRC ब्लॉकचेन जो है, बिटगर्ड की जो ब्लॉकचेन है। बट कहीं ना कहीं इसके जो यूटिलिटी है वो आने वाले टाइम पर काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ों पर एक साथ काम कर रहा है। इसके रोड मैप को हमने कई बार देखा है गाइज, आज मैं नहीं देख रहा हूँ, तो उसका रीज़न यही है कि हमने कई बार इसके रोड मैप को अच्छे से समझा है कि ये Web3 पर, AI पर, इवन अपने प्रोडक्ट्स पर अच्छे से काम कर रहा है और कंटिन्यूसली सीरियस तरीके से काम कर रहा है। तो बिटगर्ड अगेन मैं बोलूँगा ये मीम कॉइन नहीं है, आपको इसको होल्ड करके रखना ही है। एक गुड न्यूज़ हो रहा है मार्केट में, जैसा कि आप देख सकते हो कि लगभग 2 ट्रिलियन के आसपास ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप जाने वाला है, जहां पर बिटकॉइन की गाइस जो प्रीवियस बुलरन आया था वहां पर बिटकॉइन ने अपनी जो मार्केट कैप थी अकेले की वो 2 ट्रिलियन के आसपास पहुंचा दी थी, आई थिंक 1.5 ट्रिलियन के आसपास पहुंचा दी थी। यहां पर मार्केट जो था पूरा वो 3 ट्रिलियन तक भी जा सकता था, और अब कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जो बिटकॉइन है उसकी अकेले की मार्केट कैप आप देख सकते हो आज सुबह ही हो गया था 1 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है, तो ये बहुत बड़ी बात है, $51,000 को क्रॉस कर चुका है गाइस। अगेन हम कहेंगे कि ये बुलरन जैसा ही काम इसने कर दिया, बिकॉज अगर हम देखेंगे 2021 का जो बुलरन था $60,000 का, वहां पर इसने ATS लगाया था और कहीं ना कहीं उसके काफी नजदीक ये बिफोर बुलरन आ चुका है। हैलविंग इवेंट में भी 2 महीने बाकी हैं, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन का जो ATH है वो 4 से 5 महीने बाद लगने वाला है, बिकॉज हैलविंग के 2-3 महीने बाद ही ये अपने हाई पर जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो $1,00,000 वाला जो था, $100,000 वाला जो टारगेट है, शायद वो क्रॉस हो सकता है। इवन इथेरियम भी काफ़ी बड़ी रैली दिखा रहा है, यहाँ पर 25 से 27 की सीरीज में आ चुका है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। सोलाना हो गया, पोलकाडोट हो गया, ये काफ़ी अच्छी रैली दिखा रहे हैं। तो नेक्स्ट बारी किसकी हो सकती है गाइज, वो भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। XRP हो गया, कार्डेनो हो गया, चेनलिंक, डोज कॉइन भी हो सकता है गाइज। अब डोज कॉइन के लिए काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि डोज कॉइन का नाम क्यों ले रहे हैं, बट अगेन मैं बोलूँगा कि डोज कॉइन जो है उसके होल्डर्स काफ़ी ज़्यादा है गाइज। अगर आप देखोगे कि एक सिंपल सी कोई न्यूज़ अगर आती है मीम कॉइन्स को लेकर, बिकॉज जितने भी मीम कॉइन्स है डोज बेस्ट, चाहे वो सिबा इनू हो,
इसूनो हो, डोजकॉइन हो, क्योंकि ये सारे क्या है अभी थोड़ा सा डाउन दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टेबल से नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कई लोग इसको डेड भी बोल रहे हैं, बट एक वायरल न्यूज कहीं ना कहीं इनको काफी तगड़ा पंप करवा सकती है, बिकॉज आगे मार्केट ही पॉजिटिव है और बुल रन भी नजदीक आ रहा है, तो ये काफी सारे रीजंस हो सकते हैं इनको भी पंप करवाने के लिए। तो अगर आपने ये भी होल्ड करके रखे हुए हैं तो ये आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाला है, ताकि आपको आने वाले टाइम पर प्रॉफिट होगा। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा गाइस, कि जो मैंने आपको तीन वेबसाइट्स कई बार बताई है, एयरड्रॉप अलर्ट्स हो गया, एयरड्रॉप आयो, एयरड्रॉप किंग हो गया, तो तीनों वेबसाइट पर आप टाइम टू टाइम विजिट करते रहिए और एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट आप मस्ट कीजिए, खास करके एटलीस्ट ऐसे एयरड्रॉप में तो आप पार्टिसिपेट 100% कीजिए जहाँ पे आपका पैसा नहीं लग रहा है, या फिर आप जहाँ पर टेस्ट नेट यूज़ करते हो जो कि फ्री हो, तो ये जरूर आप किया कीजिए, क्योंकि आजकल जो एयरड्रॉप है उनसे काफ़ी बढ़िया बढ़िया वैल्यू मिल रही है, और कहीं ना कहीं भेड़ चाली कह लो उसी चक्कर में काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और उसी तरह के एयरड्रॉप्स भी ला रहे हैं, ये काफ़ी बढ़िया हो सकता है अगर आप उनमें पार्टिसिपेट करेंगे तो। दूसरा माइनिंग प्रोजेक्ट हो गए गाइस, जैसा कि आइस हो गया, पाई होगा, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, कुछ माइनिंग प्रोजेक्ट ने अच्छा खासा बेनिफिट भी दिया है, जैसे कि आइस, अवाइव, एकोर हो गया, तो यहाँ से लोगों को बेनिफिट भी मिला है गाइस, और आने वाले टाइम पर कुछ जो माइनिंग प्रोजेक्ट है वो और भी फेमस हो रहे हैं, जिनके लिंक आपको जो गाइस हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, तो आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप माइन करना आज से ही शुरू कर दीजिए, बिकॉज फ्री में हो रहा है सारा कुछ, जैसा कि अभी हॉट कॉइन ज़्यादा फेमस हो रहा है, नियर वॉलेट जहाँ पर हम टेलीग्राम पर माइनिंग कर रहे हैं, टेलीग्राम वॉलेट्स पर, तो इस तरह के काफ़ी सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, और भी ईगल माइनिंग हो गया, एथेन नेटवर्क हो गया, इनको भी आप माइन करना शुरू कर दीजिए, इनमें से अगर 50% भी गाइज अगर आने वाले टाइम पर फ्यूचर देंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो आई होप गाइज आपको बिटगर्ड से रिलेटेड ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो लाइक जरूर से कर देना, और मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।